स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपके इंग्लिश ग्रामर क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। तो हियर यू कैन सी व्हाट इज दिस, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। हमें सबसे पहले पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, फिर हमें सेंटेंस को रीड करना है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है उसमें देखो, माला इज राइटिंग हर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे जो माला है वो नाम लिख रही है अपना, और यहाँ पे क्रिया चालू है। क्या है? क्रिया हो रही है, एक्शन यहाँ पे हो रही है। अब वही दूसरी सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी क्रिया खत्म हो गई है। तब हम सेंटेंस कैसा होता है, माला हैज रिटन हर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ये दो सेंटेंस को हमें ऑब्जर्व करना है। जब एक्शन चालू थी तब हमारा सेंटेंस देखो, माला इज राइटिंग, मतलब कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, मतलब कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। और ये है जो एक्शन खत्म हो गई है, अभी अभी एक्शन खत्म हुई है, तो वो ये जो कौन से टेंस में लिखा हुआ है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए और ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं इस बॉक्स के जरिए। यहाँ पर लिखा गया है The first sentence tells us that the action of writing is going on, is writing, is the present continuous tense। जैसे मैंने समझाया कि हमारा जो first sentence है वो हमें समझा रहा है कि यहाँ पे action चल रही है, इसलिए हमने is writing लिखा, और ये क्या है, present continuous tense है। Second sentence में देखो, the second sentence tells us that the action of writing is complete and the name is now on the blackboard। जो दूसरा सेंटेंस है वो हमें समझा रहा है कि जो भी एक्शन चल रही थी अब यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और जो ब्लैक बोर्ड पे नाम है वो अभी लिख दिया है। तो हमने क्या यूज़ किया, हैज रिटन। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे चलो कुछ सीखते हैं, कुछ नया। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म बाय यूजिंग हैव और हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म होता है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो कौन सा है, हैव और हैज, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। कब यूज होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के आगे, बिफोर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जांपल, हैव सीन, हैव कम, हैज डन, तो ये हमारा क्या है, V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है, और उसके आगे हमने यूज किया है हैज। अब आगे देखो, when the time between the completion of the action and now is very short, we often use a word, ये often है, अमेरिका में इसको often बोला जाता है, इंडिया में इसे बोला जाता है often, we use just between the helping verb and the past participle। अब देखो, कोई भी काम होता है short time में खत्म हुआ होता है तब हम क्या use करते हैं, जो हमारा, जैसे कि ये देखो, जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा क्या है, पार्टिसिपल है, पास्ट पर, इसके बीच में हम यूज़ करते हैं, जस्ट यूज़ करते हैं। तो चलिए कैसे करना है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 दी गई है जिसमें लिखा हुआ है, रीराइट द सेंटेंसेस पुटिंग द वर्ड जस्ट इन अ प्रॉपर प्लेसेस। हमें प्रॉपर जगह पे जस्ट यूज़ करना है। कैसे करना है मैंने ऑलरेडी समझाया, क्या करना है आपको, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करना है, ये हमारा ही के साथ हैज यूज हुआ है, और उसके बाद जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और इसके बीच में हमें सिर्फ जस्ट यूज करना है, वैसे हर एक सेंटेंस में करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है जिसमें मिस्टर पंडित हैज बॉट दैट टेबल। तो इसमें क्या आएगा, मिस्टर पंडित हैज तक लिखना है, फिर क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के आगे हम यूज करेंगे जस्ट बॉट दैट टेबल, सिंपल है। फिर देखते हैं थर्ड नंबर, वसंती हैज टेकन माय पेंसिल। तो क्या आएगा, वसंती हैज, यहाँ तक लिखना है सेंटेंस, उसके तुरंत बाद हमें यूज करना है जस्ट टेकन माय पेंसिल। बस इसी तरह आपको सारे आंसर लिखने हैं। अब वीडियो पॉज करके ये सारे आंसर आपकी वर्कबुक में आपको लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।